मेरा नाम है अंजलि और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो हम आसानी से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिर आगे और भी कई सारे आपके लिए टर्म्स आने वाले हैं जो आपकी लाइफ के लिए, आपके स्टडी के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है थोड़ा बहुत मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल्स है, क्या हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज करते हैं या नहीं? तो इन सारी चीजों को अगर आप सोचोगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे, तब आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो कभी भी कुछ सीखना हो अपनी जिंदगी में तो ऑब्जर्व करना सबसे पहले सीखे। हाय रब्बा, पता नहीं कितने देख रही थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले कुछ दो चार टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बोर्ड के ऊपर लिखा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? केमिस्ट्री में कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड वो होती है जिसमें कोई फॉर्मूला लगा होता है, जिसका कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है जिसका, उसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि H2O, NH3, SO4, CH4, CO2, CaCO3। ये सारे क्या चीज है? ये सारे हैं कंपाउंड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल, H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। और ये क्या चीज है? ये है कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड कैसे? कंपाउंड का जैसे मैंने कहा फॉर्मूला होता है, तो ये एक एक तरह से वाटर का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए इसे कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मीनिंग हो गया जिसका अपना एक फॉर्मूला होता है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, टाइप्स इसके क्या है, एक तो होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कैसे होता है? जिसमें कार्बन एब्सेंट हो, जिसमें कार्बन, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एब्सेंट हो उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक, और वो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। तो कार्बन एब्सेंट है, जैसे H2O में कार्बन नहीं है, इसलिए कार्बन इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। और जैसे कि इसमें से एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक टर्म होगी कंपाउंड की जिसका एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वैसे भी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम मिक्स करते हैं उसे मिक्सचर कह देते हैं। तो मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर का, अच्छा, मिक्सचर को ऐसे जानते हैं कि मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, ठीक है। मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक हिट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। हिट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। हिट्रो मीन्स डिफरेंट हो जाता है और होमो मीन्स हो जाता है सेम। तो हिट्रोजीनियस मतलब ऐसे मिक्सचर्स जो अलग अलग तरह के हो, अलग अलग तरह की चीजें हो और उनको मिक्स करके बनाया जाए। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं लाइक अगर हम सिंपल अपने आईज से देख पा रहे हो उसे तो हम उसे अलग अलग देख पाएंगे, लाइक हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसमें से मिक्सचर में कौन सी क्या चीज है और कौन सी क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, ठीक है, फ्रूट्स एक बाउल लिया, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए जिसमें वाटरमेलन प्रेजेंट है, जिसमें एप्पल है, एप्पल के पीसेस कर लेंगे, ऐसे एप्पल के पीसेस होते हैं, बनाना भी प्रेजेंट है और स्ट्रॉबेरी वगैरह, चेरी, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट है एक बाउल में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें कौन कौन से फ्रूट प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करोगे? आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन कौन से अलग अलग फ्रूट्स इसमें प्रेजेंट है।
लेकिन अलग अलग फ्रूट्स को हमने एक बाउल में एक साथ मिक्स करके रखा है, तो इस चीज को क्या कहेंगे, ये कौन सा है, हिट्रोजीनस मिक्सचर, हिट्रोजीनस मिक्सचर, हिट्रोजीनस मिक्सचर है क्योंकि ये है तो मिक्सचर लेकिन आसानी से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें मिक्स की गई है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हिट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जब हम किसी दो या दो चीजों को मिक्स करते हैं तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें कौन कौन सी चीजें हमने मिक्स की है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइक इसी इसी फ्रूट्स को, अगर इन सारे फ्रूट्स को हम जूस में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो सकता है बताओ, अगर हमने इसमें इसको जूस में कन्वर्ट कर दिया, इसका जूस बना दिया, ऐसे ग्लास में हमने जूस बनाकर डाल दिया, तो क्या होगा, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस जूस में कि उसमें कौन कौन से फ्रूट मिक्स है। जब आप इस जूस को पियोगे तब आपको टेस्ट आएगा और टेस्ट से पता चलेगा भाई इसमें ये वाला फ्रूट हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन से फ्रूट मिक्स करके ये जूस बनाया गया है, इसको क्या देते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। तो आई होप कि आपको हिट्रोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इसके लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर हम अपने घर पे दालें बनाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है, मूंग की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, एक पीली होती है, एक ऑरेंज होती है, तो हम दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, और अच्छे से मान लीजिए हमने किसी डब्बे में उसको डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया अच्छे से एकदम, तो जब उसको आप देखोगे तो आप बता सकोगे कौन सी दाल मूंग की है, कौन सी दाल मसूर की है, लेकिन क्योंकि दोनों का कलर अलग अलग है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। लेकिन आप इसी दाल को मिक्स करके उसमें पानी डालकर जब उस दाल को आप बना लेते हो घर पे, दाल को बनाने के बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कौन सी मसूर दाल है, कौन सी मूंग की दाल है, तो उसको अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स होकर वो एक जैसा हो गया, तो सेम हो गया, एक जैसा हो गया, इसलिए ये कौन सा हो गया मिक्सचर, ये हो गया होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड एग्जाम्पल। और नेक्स्ट है बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करने से सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट ये क्या देते हैं हमें, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और सॉल्यूट, सॉल्यूट वो चीज होती है जिसे हम मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें हम मिक्स करते हैं, ठीक है, इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रही हूँ, सॉल्यूट वो है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट वो है जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं। लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं सॉल्वेंट लेती हूँ वाटर, ठीक है, और सॉल्यूट मैंने ले लिया शुगर, तो इससे क्या पता चलता है, शुगर को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट जिसे हम मिक्स करते हैं, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट जिसमें हमने मिक्स किया है, तो जब शुगर को वाटर में मिक्स कर देंगे अच्छे से तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। जब शुगर को वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। तो ये था कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, ये तीन टर्म्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। तो मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स कौन कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या है, लस्टर है चमकीलापन, चमकीला होना, तो मेटल्स जितने भी होते हैं सारे चमकते हैं, यानी कि उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। मेटेलिक लस्टर जो ये मेटल्स होते हैं वो उनका सरफेस जो होता है वो शाइन कर। सेकेंड है हार्ड,
हार्डनेस होती है इसमें, मेटल्स जितने भी होते हैं सारे हार्ड होते हैं, और अगर वेरीज भी करती है इनके हार्डनेस मेटल टू मेटल, किस तरह का मेटल है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी हार्डनेस होती है, लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है मेलियबिलिटी। मेलियबिलिटी क्या है? थिन शीट्स बनाना। मेटल्स को क्या करते हैं, हैमर से मार मार के हैमर से उनका पतली पतली उनकी शीट्स बना देते हैं, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। थिन थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, थिन वायर्स बनाना, थिन वायर बनाना, ठीक है। तो हम मेटल से थिन वायर्स भी बनाई जा सकती है, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिन वायर्स में से, जो वायर्स लगी होती है हमारे घर में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, तो वो जो वायर्स होती है वो भी मेटेलिक वायर्स होती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। ओके, थिन वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले है मेलेबिलिटी, देन उसके बाद है डक्टिलिटी। तो एक प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी की, जिसमें थिन शीट बनाई जाती है, ठीक। और दूसरी होती है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की, जिसमें थिन वायर बनाई जाती है। हमेशा याद रखना है, इन दो टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेलियबिलिटी थिन शीट्स, डक्टिलिटी थिन वायर्स। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी जो मेटल्स की होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। और फिर है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज को मेल्ट करना, पिघलाना। और मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स की होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। हम मेटल्स को पिघला नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है। सोनोरस सरफेस, इनका जो सरफेस होता है सोनोरस होता है, मींस इनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड आते हैं इनमें से। जब भी किसी मेटल को आप हार्ड सरफेस के ऊपर हिट करोगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, बहुत ही लाइक इको टाइप साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा ही होगा, अगर आप किसी लोहे को, लोहा क्या है, आयरन मेटल है, ठीक है। आयरन तो नॉर्मली सबके घरों में होता है, तो आयरन क्या है, मेटल है। और अक्सर आपने कभी ना कभी मेटल को, आयरन को किसी हार्ड सरफेस पर मारा ही होगा, कहीं पर देखा होगा। जब काम करते हैं आयरन का तो हिट तो होता ही है, ठीक है, नॉर्मली। तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, स्कूल में जो बेल लगी होती है हाफ टाइम में जो बेल बजती है, वो बेल मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि वो मेटल्स की होती है या किसी और चीज की होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, हीट को अपने अंदर ले सकते हैं, यानी कि इसमें से हीट फ्लो कर सकती है, ठीक है। कंडक्ट करना, अपने अंदर फ्लो करवाना, तो मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल्स को गर्म किया जाए तो बहुत जल्दी, अगर एक साइड से गर्म किया जाए तो बहुत जल्दी पूरे का पूरा मेटल गर्म हो जाता है, मतलब बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट्स के। तो हीट के गुड कंडक्टर हैं, और इनमें से अगर एग्जाम्पल लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एग्जाम्पल है सिल्वर एंड कॉपर। अगर आपको पूछा जाए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स, मेटल के केस में कौन सा ऐसा मेटल है जो कि, वैसे तो सारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन ऐसे कौन से हैं मेटल्स जो बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो उसका आंसर आप दोगे लेड एंड मरकरी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कर सकता है, अच्छा, मेटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। वो इसलिए क्योंकि जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, पीवीसी क्या है, पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, पीवीसी। आपके घरों में जितने भी वायर्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उस उन वायर्स, वो पहले तो मैंने बताया कि वो वायर्स मेटेलिक होते हैं, मेटल के होते हैं, जो थिन
वायर बनाए जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को क्या क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। अब थिन वायर्स जो होते हैं वो गोल्डन कलर के, उनको ऊपर से एक रबर के साथ कोट किया जाता है, वो रबर टाइप कुछ उसके ऊपर कोटिंग होती है, कवर किया जाता है एक रबर टाइप वायर के साथ। तो वो रबर टाइप जो वायर होती है वो क्या होती है, पीवीसी पॉलीविनाइल पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से वो वायर ऊपर वाली बनी होती है, और ये वायर आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट से बचाती है। यहां तक समझ आ गए, ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब नॉन मेटल की भी कर लेते हैं। वैसे नॉन मेटल की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो जस्ट ऑपोजिट होंगी इसके, ठीक है। ओके, नॉन मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन मेटल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन हो सकता है, और सल्फर इसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जस्ट हम इसको ऑपोजिट ही मान सकते हैं मेटल्स के। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की बात करें, मेटल्स मेटालिक क्लस्टर होता है मेटल्स में, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें चमकीलापन बिल्कुल नहीं होता, ये इनका जो सरफेस होता है वो चमकते नहीं है। सेकेंड, अगर हार्डनेस की बात करें तो मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी, मतलब थिन शीट्स। तो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं होती कि हम इस किसी हैमर से मार मार के उनको शीट बना दें, तो इनकी ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती। डक्टिलिटी, थिन वायर, इसके वायर भी नहीं बन सकते। डेंसिटी इनकी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है, जबकि मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हार्ड, बट नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी लो होने से जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा नॉन मेटल्स का वो भी क्या होगा, लो होगा। आसानी से इनको हीट करके मेल्ट किया जा सकता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है। सोनुलर सरफेस इनकी साउंड, एज कम्पेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, नॉन मेटल का एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको, वुड, ठीक है। वुड में कार्बन होता है, तो वुड कार्बन का होता है, तो किसी वुड को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर मारते हो तो क्या आपको लगता है कि मेटल्स के कंपैरिजन उसके उसके उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है? नहीं, मेटल्स की तरह उनमें साउंड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती। थोड़ी सी आवाज आएगी लेकिन मेटल्स की तरह जैसे इको इफेक्ट वाली आवाज उनमें से नहीं आती, इसलिए हम सोनोरस सरफेस नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। अगर आपको एग्जाम्पल मैंने वुड का दिया है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर नहीं हो सकते, इनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स। क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं ये। इंसुलेटर्स का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर से हीट को इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, ठीक है, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आएगा इसका, और पीवीसी तो मेटल मेटल का था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, और ये होते हैं इंसुलेटर्स, राइट। सो ये मेरी पहली वीडियो है बाय फेस। कुछ भी ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, और अगर तारीफ में चंद शब्द कहने हो तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते थे वो हो चुका है कंप्लीट, और अब आगे का जो है टॉपिक वो है कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस, ये है एक्सेप्शंस की स्पेलिंग, आप देख लो। एक्सेप्शन क्या होती है कि जब भी किसी भी चीज के बारे में हम जान रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ मेटल्स का ही, तो मेटल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। तो एक्सेप्शन यहाँ पे ये आ जाती है कि कई मेटल्स, कुछ मेटल्स, वैसे तो सारे मेटल हार्ड होते हैं लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे आ गई ना एक्सेप्शन, बट लग गया, लेकिन बट कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, हो सकते हैं ऐसे मेटल्स भी प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा ऐसा एक मेटल भी है जो लिक्विड भी होता है, आपको पता होगा शायद, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। एक ऐसा भी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और
एक्सेप्शंस यहीं पर लग जाते हैं, ठीक है, ये इसे ही कहते हैं एक्सेप्शंस। और नॉन मेटल्स जो होते हैं लाइक जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ है ऐसे आप नॉन मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि हार्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और शायद ये आपको, शायद नहीं, आई एम श्योर कि ये आपको बहुत ही काम आएगी। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आपके सामने आएंगे जो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो जो भी, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेरे लेक्चर्स के साथ अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन में हैं तो आप इन वीडियो से, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक के सारी किताबें रटनी होती हैं, और अगर आपको साइंस का के बारे में जानकारी लेनी है, मैथ्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए और आपके इससे हेल्प हो सके। तो हमारे चैनल का नाम है कूल गुरुकुल, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। एक्सेप्शंस की बात करेंगे, एक्सेप्शन सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो है कि, जो अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। तो वो कौन सा मेटल है मुझे बताइए। आई थिंक मुझे ये बताना नहीं चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। वैसे तो सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ये वाला बताएं। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, हाई होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, बट कुछ ऐसे होते हैं मेटल जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले भी मेटल्स कुछ होते हैं, और वो मेटल्स कौन से हैं बताइए। वो मेटल्स हैं गैलियम एंड सीजियम। गैलियम का फॉर्मूला Ga, सीजियम का फॉर्मूला Ce। गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि लो, जिनका के मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लो होता है, इतना ज्यादा लो होता है कि जब हम इन्हें अपने, अगर पाम पर भी रख लेना, ऐसे हथेली पर इनको रख ले, गैलियम और सीजियम को, तो ये हथेली की टेम्परेचर से ही वो मेल्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ओके, ये हो गई सेकेंड एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और सेकेंड एक्सेप्शन है, सेकेंड सॉरी सेकेंड एक्सेप्शन था, और सेकेंड एक्सेप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉन मेटल के बारे में, और ये नॉन मेटल जो है ये ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग वाला होता है, ठीक है। और शाइनिंग वाले सरफेस की प्रॉपर्टी को क्या कहते थे हम, इसे कहते हैं लस्टरस, शाइनिंग सरफेस, ठीक है, शाइनिंग सरफेस। अब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, वैसे तो जितने भी नॉन मेटल्स मैंने बताए थे आप वो सारे के सारे क्या थे, नॉन लस्ट्रस, यानी कि चमकीले, उनके सरफेस जो थे वो चमकीले नहीं थे, मेटल्स के होते हैं ना वो तो। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि एक ऐसा भी होता है नॉन मेटल जो कि, जिसका सरफेस जो होता है वो लस्ट्रस होता है, उसके पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो है, वो नॉन मेटल है कौन सा, आयोडीन। जो आयोडीन होता है ना, इसका सरफेस जो होता है लस्ट्रस होता है, यानी कि इसका सरफेस चमकीला होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन मैंने आपको बताया था, कार्बन क्या है बताइए मुझे, कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक है, ये आपको पता है।
कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन के दो एग्जांपल्स ले लेंगे हम, जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बन की। ये भी कार्बन का होता है, ये भी कार्बन का होता है। तो नॉर्मली हमने पढ़ा है नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, लो होती है। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक्सेप्शन आ गई, समझ लो ना, एक्सेप्शन आ गई। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह सारी क्या क्या होती है, लो होती है। बट डायमंड के केस में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सारी क्या होंगी, हाई होंगी। और नेक्स्ट जो टाइप है इसकी वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसे कह देते हैं, कार्बन की फॉर्म है। और ग्रेफाइट की पहचान है पेंसिल में आपके जो निब होती है पेंसिल की, पेंसिल में जो सिक्का होता है उसे क्या कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल का ये जो निब होता है वो किस चीज का होता है, इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का, ग्रेफाइट। वैसे नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है और ये नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे तो नॉन मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इंसुलेटर्स ही होते हैं सारे, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये एक्सेप्शन एक यहाँ पर आ जाती है। और जैसे कि कार्बन के दो टाइप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इन टाइप्स को क्या कह देते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स कहते हैं टाइप्स को। कार्बन के दो एलोट्रोप्स कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एंड लास्ट एक्सेप्शन इज अल्कली मेटल्स। ये मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। और अल्कली मेटल्स होने के बावजूद इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स वैसे आपको पता है हार्ड होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉफ्ट होती है। ये अल्कली मेटल्स जितने होते हैं सारे सॉफ्ट होते हैं, और इनको नाइफ के साथ आसानी से कट किया जा सकता है, पीसेस बनाए जा सकते हैं। डेंसिटी इनकी क्या होती है, लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये है मेल्टिंग पॉइंट, एम्पेवेंस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो एक्सेप्शंस जितने भी थे सारे के सारे मैंने करवा दिए आपको, इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, और एक और टाइप होती है वो क्या होती है, मेटलॉइड्स। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, और मेटलॉइड जो होते हैं, जो थर्ड टाइप है मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। क्या होते हैं ये, सेमी कंडक्टर्स। मेटलॉइड जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं। और मेटलॉइड की जो एग्जाम्पल्स होती है वो कौन सी होती है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये सेवन के सेवन क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये है मेटलॉइड्स। तो ये मेटलॉइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे। कौन साइड पे, राइट साइड पे। जैसे आपका पूरा पीरियोडिक टेबल बना है तो इधर है लेफ्ट साइड और इधर वाले राइट साइड। राइट साइड पे आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे, यहाँ पे लिखा होगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये सारे क्या है, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स, नॉन मेटल होते हैं इंसुलेटर्स, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। तो चलिए एक बार जल्दी से इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार सारा कुछ जो भी अभी तक आपने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक बार रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मेटल्स विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ये मैंने क्या कहा, आपने खुद अपने आप इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड होता है, ये एक लौता मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। सेकंड क्वेश्चन इज कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन पार्ट में पढ़ा था कि ऐसा कौन से ऐसे मेटल है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनको नाइफ के साथ आसानी से कट किया जा सकता है, तो वो कौन से, सोडियम पोटेशियम लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट का सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है, और वो मेटल्स हैं सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के। नाउ फोर्थ वन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल जो हीट का पुअर कंडक्टर है, और ये हमने क्या पढ़ा था, लेड मरकरी। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लेड एंड मरकरी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स कौन कौन से होते हैं, वैसे तो मेटल सारे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले थे, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हमने मेटल्स पढ़े थे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में कौन से थे याद कीजिए, जिसको पाम के ऊपर अगर हम हथेली के ऊपर रखें तो इतने से ही टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाते हैं, तो वो कौन से थे याद कीजिए, कौन से थे, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। ये मात्र एक ऐसे दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अगर नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स में से, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आपको याद होगा हमने कार्बन के दो एलोट्रॉप्स लिए थे, कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट एलोट्रॉप। तो इनमें से डायमंड का हमने पढ़ा था कि डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायमंड। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, वैसे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था कि ऐसे भी होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हमने कौन सा नॉन मेटल पढ़ा था, जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा पढ़ा था हमने, ग्रेफाइट, जो दूसरे वाला था, ये क्या था, गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रेफाइट। ओके, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स की बात करें तो उसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन इज लस्ट्रस प्रॉपर्टी। वैसे नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो चमकीले नहीं होते, उनका सरफेस क्या होता है, लस्ट्रस नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, लेकिन एक्सेप्शन में पढ़ा था एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो कौन सा था, वो था आयोडीन। ठीक है, याद आया कुछ, आयोडीन। तो आज के सेशन में बस इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और बीच बीच में कुछ टर्म्स पढ़े, और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और क्या पढ़ा, और हमने कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़े, और क्या पढ़ा, बस लास्ट हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े, जिससे आपको सारा का सारा रिवाइज हो गया, आपने जितना भी थियोरेटिकल पार्ट किया था। तो अब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, वीडियो बनाने के लिए हमें अपना फैन ऑफ करना पड़ता है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर को, सॉरी, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, और अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, इतना रिवाइज कीजिए जब तक मैं आती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कोई सजेशन दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर और मुझे इसका क्वेश्चंस, जितने भी मैंने 2 दिन क्वेश्चन आपको बताने के लिए कहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तब तक के लिए गुड बाय, और अब मैं जा रही हूँ हवा खाने, बाय।